हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंपल सा मेकअप लुक किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। मतलब उसमें ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगे, फटाफट से हमारा मेकअप हो भी जाए। तो देखो, कोई भी मेकअप करो ना तो पहले सीटीएम करना जरूरी होता है। अभी मैं बेड वैक्स ही ले लूंगी, अपना पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो अच्छे से फेस वॉश कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। टोनर लगा रही हूं, ये ओजोन कोकोमर का टोनर है, बहुत ही अच्छा टोनर है। स्किन को हाइड्रेट रखता है और जो ओपन पोर्स होते हैं ना उनको मिनिमाइज कर देता है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट फेस को कर देता है। ये निविया की मॉइस्चराइजर है, ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छी है। मतलब ऐसे ज्यादा ऑयली नहीं, मेरी स्किन ऑयली है लेकिन इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये अच्छे से हमारी स्किन में चली जाती है ना। जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर होते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, लाइट वेट है बिल्कुल, है ना। अब मैंने ये मॉइस्चराइजर लगा लिया, अच्छे से मसाज करनी है अपना जो नोज एरिया है ना उसके आसपास अच्छे से मसाज देनी है और अपने जो आई है जो डार्क सर्कल है वहां पर हल्के हल्के ऐसे मसाज देनी है। अब देखो यहाँ मेरे ओपन पोर्स है, अब इनको फिल करने के लिए मैं प्राइमर लगाऊंगी। अगर हम प्राइमर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो अपना जो फाउंडेशन है ना ओपन पोर्स में चला जाएगा और जो मेकअप है ना बहुत भद्दा दिखेगा। तो ये मैंने ओपन पोर्स में ना सारे लगा लिया, जो भी एनवाईवी का प्राइमर है। आपके पास जो भी हो आप प्राइमर जरूर लगाया करो, मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना जरूरी है ना, हमारे ओपन पोर्स को अच्छे से फिल कर देता है। ये लैक्मे का फाउंडेशन है। तो देखो ये मैं ना स्किन, अगर आपको है ना स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चाहिए तो आप है ना साइड में लगा के चेक कर लो, उसको ब्लेंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्किन में जाएगा कि नहीं। और ये फाउंडेशन मेरी स्किन से एक शेड लाइट है, पर बाद में जब मेकअप करने के बाद सेट हो जाता है मेरी स्किन का, मतलब मेरी स्किन का सेट हो जाता है। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देखो पूरे जो नेक एरिया है, फेस पूरा लेना है इसमें। ये मामाअर्थ का कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत ही ज्यादा। और मैंने इसको लिया अपने जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं ना, मैं वहां पे इसको लगा लूंगी। हाईलाइट पॉइंटों पर अच्छे से लगाऊंगी, इससे क्या हो मेरा जो फेस है ना अच्छे से हाईलाइट हो। फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, है ना। जहां जहां मैंने हाईलाइट किया वहीं ब्लेंड करना है, उसके ऊपर नीचे नहीं ले जाना है इसको, है ना। इससे क्या होगा, हमारे जो कंसीलर से है ना हाईलाइट बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं आपको आई मेकअप करके दिखा देती हूँ। ये मैंने कंसीलर मामाअर्थ का कंसीलर लिया, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी अपने आई पे लगा के, है ना। इसको लगाने के बाद बहुत सिंपल सा मेकअप करूंगी एकदम। तो मैं ना अब क्या करूंगी, इसमें पहले अपने फेस को पूरे को सेट कर लूंगी कॉम्पैक्ट से। फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट कर देगा, है ना। मतलब डेली के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइट मेकअप करना हो ना आपको, हल्का बल्का मेकअप करना हो तो ये प्रोडक्ट आप यूज करो, बहुत ही अच्छा मेकअप होगा। अब मैं क्रीज लाइन पे लाइट ब्राउन कलर ले लूंगी, देखो इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड भी कर लूंगी। ये मैंने लोकल मार्केट से आई शेडो किट खरीदी, ये भी मैंने लोकल मार्केट से खरीदी थी मिस गोल्ड की, है ना। अब मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लैक कलर लेके ना मतलब इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे लगा लिया। अब मैं सेंटर में है ना सेंटर में पिंक कलर का शेड उठा के लगा लूंगी, देखो इस तरीके से सेंटर में लगाना है। आप फिंगर से भी लगा सकते हो, मैंने ब्रश से लगाया है। और इसको फिर जो है ना आउटर कॉर्नर है इसको मैं ब्लैक थोड़ा सा ला के ना ब्लेंड कर लूंगी, फिर फिंगर से थोड़ा सा और कलर लगाऊंगी। जब तक ये मैं सेट करूंगी जब तक मुझे मन पसंद का से नहीं दिखे। अब मैं जो इनर कॉर्नर है ना इसमें मैं गोल्ड कलर लूंगी, सॉरी सिल्वर कलर लूंगी, सिमर का सिल्वर कलर लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब तीनों कलर को ब्लेंड करना जिससे कोई लाइनिंग नहीं दिखे। लैक्मे का लाइनर लगा रही हूँ, आप जैसा भी लाइनर लगाना चाहो मोटा पतला, मैं इस लाइनर को इस तरीके से लगा लेती हूँ ना। ये मेरा लाइनर लग गया है। मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा पारुल गर्ल का मस्कारा, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब जो भी फेक लेसेस नहीं लगाओ ना तो इससे काम चल जाता है, इससे हमारे जो लेसेस है ना इनमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। देखो कितनी मतलब कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया है। मैं मेरे पास है ना जब से पारुल गर्ल का है ना जो मस्कारा आया है, जब से मैं ना फेक लेसेस कम यूज कर रही हूँ। अब ये एनवाईवी का काजल फेवरेट काजल है, ऑफर में ये मुझे 50 रुपए का मिला था, है ना, पर्पल से लिया था ये मैंने। अब जो लेसेस है इनको भी मैं अच्छे से मस्कारा लगा लूंगी, अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। लाइट सा शेड लेना, मुझे ज्यादा डार्क शेड पसंद नहीं है, तो मैं लाइट कलर का जो लाइट ब्लैक होगा ना उसको लूंगी। अब कॉन्टोर कर लूंगी अपने फेस को, आई मैजिक से मैंने कॉन्टोर किया है, आई मैजिक कॉन्टोर पैलेट है, उसमें से मैंने कॉन्टोर किया, हल्का सा कॉन्टोर किया है, मुझे ज्यादा हैवी नहीं चाहिए था कॉन्टोरिंग इसमें।
तो ये मैंने जो लाइन पे भी जो कॉन्टोर कर लिया इस तरीके से है ना, फोरहेड पे, नोज पे, जो कॉन्टोर करने की जगह है ना मैं वहां कॉन्टोर कर लूंगी। आप मैंने नोज पे किया, नोज पे कॉन्टोर करने से है ना हमारी जो नोज है ना बिल्कुल स्लिम लगती है, बहुत अच्छी लगती है, फेस की कटिंग हो जाती है ना जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से हमारी फेस की कटिंग हो जाती है, तो मेकअप भी अच्छा लगता है। माइग्लैम का ये पीच कलर का मैंने ब्लशर लिया, बहुत ही अच्छा, इसको हम डेली में यूज कर सकते हैं, बताए मतलब अपन कोई भी मेकअप नहीं करो ना, बस इसको लगा लो तो काम चल जाता है। मेरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला अब। ये मैंने हाइलाइटर लगा लिया, स्वीटी के हाइलाइटर लगाया है और हाइलाइट पॉइंट पे है ना, फोरहेड पे, नोज पे और चिन पे, यहाँ पे मैंने लगा लिया। ये माइग्लैम की लिपस्टिक है ना, मतलब कुर्ती सी मिलती जुलती मैंने लिपस्टिक ली है, तो मुझे सेम कलर मिल गया था इसमें। ये मेरा फाइनल लुक है, मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर लूंगी। ये मैंने अपनी हल्की सी हेयर स्टाइल बनाई है, इयरिंग्स सेम पहनी है। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया ना तो मेरी मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको ये सिंपल तरीके से मेकअप करके दिखाया आपको कैसा लगा है ना, और मुझे बताना किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना।